तो आज एक और पेरेंट हमारे पास है जो कि बठिंडा से ट्रेवल करके आए अपनी बच्ची का टेस्ट कराने के लिए। आज मॉर्निंग इनका टेस्ट हुआ डीमैट और अभी जस्ट काउंसलिंग सेशन फिनिश हुआ है, तो चलिए जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मैम बीइंग अ मदर और मुझे पता चला कि आप मैथ की टीचर भी हैं, राइट? तो आपको कितनी क्लैरिटी आई अपने बच्चों को लेके, जो भी कन्फ्यूजन थे उसके सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके या करियर चूज करने को लेके, आप बताइए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को ये लग रहा है कि हम जैसे लेट हो गई, हमें थोड़ी पहले आना चाहिए था तो थोड़ा ज्यादा पता चल जाता है। एक्चुअली हमें अपने बच्चे को लेकर थोड़ी डिफिकल्टी तो आ ही रही थी कि जैसे ये नॉन मेडिकल में हमें आईटी सेक्टर में इसको लेके जाना था, तो पर ये परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो अब जैसे इसके टेस्ट के बाद हमें थोड़ा सा ना बल्कि पूरा ही क्लियर हो गया कि ये कौन से सेक्शन के लिए बनी है, इस चीज के लिए बनी और हमें क्या करना है। और बल्कि मेरे को तो ये लगता है कि अगर ये टेस्ट अगर स्कूल लेवल पे सारे बच्चों के लिए किया जाए तो स्कूल लेवल पे बच्चों की परफॉर्मेंस स्कूल लेवल से ही इतनी अच्छी हो सकती है। मैं आपको एक चीज इसमें ऐड कर दूं कि बहुत सारे स्कूल्स हमारे साथ ऑलरेडी मिलकर काम कर रहे हैं, उनको हमने फ्रेंचाइज भी दी हुई है, बहुत सारे प्री स्कूल्स भी हैं और बड़े स्कूल भी हैं जो 10th और 12th क्लास के, वो भी काम कर रहे हैं हमारे साथ। तो बीइंग अ फादर सर, आपको कितने परसेंट क्लैरिटी आई, जो भी डाउट्स थे और जो चीजें सोच के आप आए इतनी दूर तक ट्रैवल करके बठिंडा से चंडीगढ़, तो वो चीजें आपकी क्लियर हुई कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हुई और मुझे ये लग रहा है कि ये टेस्ट अगर 9th-10th में होने हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्लस वन एक ऐसा टर्न होता है बच्चे के लिए जो उसकी बहुत महत्ता है, जहाँ से लाइन क्लियर होती है तो उससे पहले हो जाए तो उसका ज्यादा अटेंड करना पड़ता है। बच्चे के लिए भी अच्छा है, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है, इवन मेहनत बहुत करते हैं, बच्चा भी बहुत मेहनत करता है, कहीं डायरेक्शन सही नहीं होती, इस वजह से रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। और आपको पता कहाँ से चला इसके बारे में कि टेस्ट होता है? और आप अपने जैसे और पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? बच्चे की मेहनत वेस्ट नहीं जाती, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है, बच्चा मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहे, कम से कम आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, सही दिशा में आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट जल्दी आएगी और सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा मिलेगी। मैं सभी पेरेंट्स को यही कहूँगा कि इसके इस टेस्ट पे जरूर गुजारे बच्चे को, और इससे ज्यादा आपका फायदा होगा, थोड़ी सी कॉस्ट लगेगी बट उसका बेनिफिट क्या हो कई गुना ज्यादा। सही बात है, सही बात। थैंक यू सो मच सर, आपको टाइम निकाल के आए दूर से बठिंडा से, और आशा करता हूँ कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप जितने भी लोगों से मिले अपने फोन में, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनको भी रिकमेंड करें इस टेस्ट को, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं इसके बारे में, अवेयरनेस नहीं है, तो जैसे जैसे लोगों को पता चलता है वो आते हैं, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आप भी बहुत दूर से ट्रेवल करके आए थे। सबसे जरूरी चीज, क्योंकि सिर्फ आपको बताएं एक चीज में एफर्ट्स और एनर्जी नहीं है, आपके बच्चे के एफर्ट, एनर्जी, इमोशंस, आपका पैसा, सब कुछ इन्वॉल्व होता है बच्चे के करियर, तो वो सही डायरेक्शन पे जाए तो बेहतर है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आपके बिल्कुल।